हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में। तो करंट के बारे में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि करंट होता क्या है। तो किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को करंट के नाम से जाना जाता है। इसको आई से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है यानी जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। ये एक हमारा फिगर है, इसमें हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया और ये हमारा एक स्विच है जो अभी ओपन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी जो सर्किट है वो क्लोज नहीं है, ओपन है। ओके, अब हम इस सर्किट को क्लोज करते हैं, यानी हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं। तो जैसे हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने हमारे शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को करंट के नाम से जाना जाता है। ओके, अब बात आती है वोल्टेज की। तो वोल्टेज एक इस तरीके का प्रेशर होता है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर एक चीज़ के अंदर होते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं करते हैं, यानी जब हम उसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तभी वो मूवमेंट में आते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी शुरू हो जाती है? यानी वहाँ पर एक पोटेंशियल होता है जिसको हम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। यानी वो पोटेंशियल, वो प्रेशर उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रेशर डेवलप करता है जिसकी वजह से वो मोमेंट में आ जाते हैं। जनरली वोल्टेज को वी से डिनोट किया जाता है और इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। ये एक जनरल एग्जाम्पल है, एक पानी की टंकी है जिसमें पाइप के थ्रू हमें पानी डालना है। तो बेसिकली अगर ये पानी इस लेवल पे है, अगर इससे लेवल को ऊपर और बढ़ाना है तो ये अपने आप लेवल को नहीं बढ़ाता है, यानी हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा। तो हम जैसे इसके ऊपर प्रेशर डेवलप करते हैं, यानी ये प्रेशर हो गया एक तरीके से, तो प्रेशर डेवलप करते ही ये पानी इस टैंक के अंदर फिल होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए एक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको वोल्टेज के नाम से जानते हैं। एंड लास्ट जो है रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस एक तरीके का प्रतिरोध जिसको प्रतिरोध के नाम से बेसिकली जानते हैं हम लोग। ये धारा के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करता है, यानी उसको आगे बढ़ने से रोकता है। इसको आर से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो ओम्स है और इसका जो सिंबल है वो ओमेगा होता है। ओके, इसको अब हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को एक कंबाइंड रूप में देखते हैं। सबसे पहले ये हम मानते हैं कि एक करंट है, ये एक रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ पर कुछ व्यवधान होगा इस करंट के लिए। अब ये करंट नॉर्मली कंडीशन में अपने आप फ्लो नहीं होगा, यानी इसके ऊपर हमें एक प्रेशर देना पड़ेगा। तो हमने इसके ऊपर एक प्रेशर लगा दिया जिसको वोल्टेज के नाम से जानते हैं। अब ये जैसे ही वोल्टेज यानी ये प्रेशर करंट के ऊपर लगेगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगेगा, तो उसके बाद ये करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में वो समझा। अब नेक्स्ट हम आगे समझते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स लॉ ये बोलता है कि अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को ना चेंज किया जाए, यानी फिजिकल कंडीशंस को हम कांस्टेंट रखें, फिजिकल कंडीशंस के अंदर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ ईटीसी, यानी इनको अगर हम चेंज ना करें तो दो टर्मिनल के बीच लगने वाला जो वोल्टेज है वो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी बेसिकली हम कह सकते हैं वी प्रोपोर्शनल टू आई। अब हम यहाँ पे देखते हैं वी इक्वल टू आर आई, यानी ये जो आर है एक रेजिस्टेंस है, यानी ये सर्किट के अंदर ये वही रेजिस्टेंस है जिसको हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो ओम्स लॉ यही कहता है कि हमारा अगर किसी सर्किट के अंदर फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना करे या कांस्टेंट रखे तो उसके सिरों पे लगने वाला विभवांतर उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, अब हम थोड़े ये हमारा एक सिंबल होता है रेजिस्टेंस का और ये ओम्स का सिंबल है। अब हम थोड़ा सा ओम्स लॉ को ओम्स लॉ ट्रायंगल के थ्रू समझते हैं। यानी
इसके अंदर तीन ही चीज़ है, वी, आई और आर। तो सबसे पहले ट्रायंगल के अंदर हम देखते हैं यानी वी इजकल टू क्या होगा, वी इजकल टू हो जाएगा हमारा आई आर। इसी तरीके से दूसरे सर्किट के अंदर हम यानी दूसरे ट्रायंगल के अंदर हम आई की वैल्यू को मेजर करते हैं यानी आई इजकल टू वी अपॉन आर, और तीसरे ट्रायंगल के अंदर हम आर को मेजर कर रहे हैं तो आर इजकल टू वी अपॉन आई। ओके, नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, यानी सबसे पहले हम प्रॉब्लम ओम्स लॉ पे देखते हैं कि एक बैटरी है जो कि किसी सर्किट के साथ 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, जिस सर्किट के अंदर 0.6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इस तरीके से है कि हमारे पास आई जो है 0.6 एम्पियर है, वी जो है 12 वोल्ट है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखें तो वी इक्वल टू होता है आई आर। तो हमें R की वैल्यू मेजर करनी, तो R इक्वल टू हो गया V अपॉन I, तो V की वैल्यू है 12 और I की वैल्यू है 0.6, तो इस तरीके से जो R की वैल्यू आती है वो 20 ओम आ जाता है। इसी तरीके से प्रॉब्लम सेकंड्स को हम देखते हैं। प्रॉब्लम सेकंड में हमने एक इलेक्ट्रिक बेल को लिया हुआ है, यानी एक इलेक्ट्रिक बेल जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 25 ओम है, 25 ओम्स है, और इसको ऑपरेट होने के लिए कम से कम 0.25 एम्पियर की करंट की रिक्वायरमेंट है। तो अब इस 0.25 एम्पियर की करंट के लिए कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको सॉल्यूशन के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे R की वैल्यू हमें 25 ओम्स दिया हुआ है और I की वैल्यू 0.25 एम्पियर दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, सो V बराबर हो जाएगा 0.25 × 25, यानी V इक्वल टू आ जाएगा 6.25 वोल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक जिसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम है, इसमें V की जो वैल्यू है यानी जो बैटरी कनेक्टेड है वो 24 वोल्ट की है और इसके साथ लगने वाला जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम का है, तो I की वैल्यू आपको मेजर करना है। ओके, सो फ्रेंड्स इसको आप I की वैल्यू को मेजर कीजिए और अभी सॉल्यूशन के साथ इसको हम मैच करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। सो हम एक बार सॉल्यूशन को टैली करते हैं। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो ये सॉल्यूशन होगा, यानी यहाँ पे R की वैल्यू 12 ओम है और V की वैल्यू 24 वोल्ट है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, सो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, तो यहाँ पर I की जो वैल्यू आएगी वो 2 एम्पियर आ जाएगी। ओके, थैंक यू।